स्वागत करता मैं आप सभी दोस्तों का फिर से आपके अपने चैनल हैप्पी आर चेंज द लाइफ के अंदर। दोस्तों आज जैसे मेरे पास गूगल का एडसेंस का वेरिफिकेशन पिन आ चुका है, इसको बताएंगे कि वेरीफाई कैसे करना हमने, और दोस्तों एड्रेस को वेरीफाई कैसे करना है एडसेंस के अंदर। अगर दोस्तों आपका वेरिफिकेशन फेल भी हो चुका है, जो एड्रेस है उसको दोबारा से वेरीफाई कैसे करें, क्योंकि मेरे साथ दोस्तों ये हो चुका है। मेरी भी एक बार फेल हो चुकी थी वेरिफिकेशन, फिर मैंने उसको कैसे दोबारा वेरीफाई किया, सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे हम। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका भी जैसे $10 हो तो आपको वेरीफाई करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना आए, तो दोस्तों इस वीडियो को प्लीज लास्ट तक जरूर देखना, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंदर मैं सारी चीजें कवर करूंगा कि कैसे एड्रेस को वेरीफाई करना है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, मैं चाहता हूं कि आपको वो प्रॉब्लम आए ही ना, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पहली बार दोस्तों इस चैनल पर आए थे तो चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ जानकारी इस चैनल के अंदर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एड्रेस को वेरीफाई। दोस्तों जैसे ही गूगल एडसेंस के अंदर $10 हो जाते हैं, $10 से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक एक्शन का बटन शो हो जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो गूगल एडसेंस के अंदर, और अपना जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, तब जाके दोस्तों आपका एड्रेस वेरीफिकेशन होता है। लेकिन काफ़ी लोगों का दोस्तों ये वेरीफिकेशन फेल हो जाता है, मेरा भी वेरीफिकेशन फेल हुआ। मैंने 3 बार अपना दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस डाला और 3 बार दोस्तों फेल हो गया, और मेरा जो वेरीफिकेशन था जो बटन था वो दोस्तों वहाँ से चला गया और मैं वेरीफाई नहीं कर पाया। जैसे ही दोस्तों फेल होने के बाद मैंने क्या कुछ उसके अंदर किया कि मेरा दोबारा से वो वेरीफाई हो गया, वो कैसे किया दोस्तों, मैंने काफी लोगों के पास मेल की कि ऐसे ऐसी जो मेरे पास सिचुएशन आ चुकी है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है, तो इसका कोई हल बताएं। हर यूट्यूबर के पास मैंने मेल की दोस्तों, कोई हल नहीं निकला, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दोस्तों काफी लोग बता रहे थे कि आप यूट्यूब के पास मेल करते रहे। दोस्तों यूट्यूब के पास मैंने मेल करता रहा, हर बार मेल का दोस्तों यही जवाब था कि आपको इसका जवाब दिया जाएगा, मेल के थ्रू आपको इसका आंसर दिया जाएगा, लेकिन कोई आंसर नहीं आया था। फिर दोस्तों मैंने अपनी मेल के अंदर अपना आधार कार्ड अटैचमेंट करके मैं उनके पास मेल करने लगा, हर बार दोस्तों अपना आधार कार्ड में डाल देता था, उनके पास मेल कर देता था। हर बार रिप्लाई उनका यही था कि दोस्तों इसका डिस्कस किया जा रहा है हमारी टीम के साथ और आपको मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। तो दोस्तों फिर मैंने अपना मोबाइल नंबर भी डालना शुरू कर दिया, जिस मोबाइल नंबर के ऊपर मैंने दोस्तों अपना अकाउंट बनाया था वो मोबाइल नंबर उनके पास मैं डालना शुरू कर दिया, और फिर क्या था दोस्तों, उन्होंने चुटकी बजाते ही वेरीफाई बटन ऑन कर दिया, और मैंने दोस्तों वेरीफाई पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट आधार कार्ड वहां पे सबमिट कर दिया, और 1 मिनट के दोस्तों मेरे पास मेल आ गई थी कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन दोस्तों मेरे जो वेरिफिकेशन थी वो फेल हुई क्यों थी, मैंने दोस्तों अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाला था, ये लोग नहीं मानते थे। लेकिन काफी लोगों की जो वेरिफिकेशन वो फेल कई तरीके से होती है, काफी लोगों की जो वेरिफिकेशन होती है किसी का फोटो ब्लर हो गया तो वेरिफिकेशन नहीं होता, किसी का दोस्तों कोई प्रॉब्लम है, किसी का नाम गलत है, मतलब वेरिफिकेशन फेल हो जाती है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर दोस्तों आपकी जो वेरिफिकेशन है वो वेरिफिकेशन करने से पहले आपने दोस्तों अपने आधार कार्ड को स्कैन करवाना है किसी भी सेंटर से जाके, और उसको अपनी ईमेल आईडी के ऊपर आपने डलवा देना है। अपनी ईमेल आईडी के ऊपर डलवाने के बाद आपने उसको दोस्तों पिक्स आर्ट एप्लीकेशन है उसके अंदर जाके अटैच करके आधार कार्ड का फ्रंट और बैक दोनों की एक फोटो बना लेनी है। उसके बाद दोस्तों उसका आपने वेरिफिकेशन के लिए अपलोड कर देना है, आपका जो वेरिफिकेशन है वो दोस्तों हो जाएगा, बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आपने दोस्तों स्कैन करा के ही वेरिफिकेशन करवाना है, फोटो खींच के मत कराइए वरना फेल हो जाता है। अगर आपका दोस्तों फोटो ब्लर है तो सबसे पहले आप किसी भी सेंटर में जाके उस फोटो को चेंज करवाएं, 25 से 50 रुपए लगते हैं आधार कार्ड के अंदर चेंज कराने में, और वो 8 दिन के अंदर दोस्तों आपका जो फोटो चेंज हो जाएगा, उसके बाद आप वेरीफाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपके जो वेरिफिकेशन है वो हो जाएगी, आपका जो एड्रेस है डॉक्यूमेंट वो वेरिफिकेशन हो जाएगा। दोस्तों अब बात करने वाले हैं कि जो ये पिन है इसको वेरीफाई कैसे करना है, जो गूगल एडसेंस की तरफ से पिन आता है आपके घर पे इसको भी वेरीफाई करना आना चाहिए। दोस्तों ये वेरीफाई कैसे होगा आज सब अभी अब आपको ये बताएंगे, ठीक है। दोस्तों जैसे ही आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये एडसेंस का ये आ चुका है, इसके अंदर दोस्तों ये पिन है, ये आप देख सकते हैं, इस पिन को आपने वेरीफाई करना होता है, जो बड़े बड़े अक्षरों में नीले अक्षरों में लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसे ही आपके पास पिन आ जाएगा तो वहाँ पर एक बटन शो हो जाएगा एक्शन का, और नीचे दोस्तों यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरीफाई है लिखा, आपने इस वेरीफाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना, और ये नंबर जो मैंने आपको दिखाया है ऐसा ही नंबर आपके पास होगा, अलग अलग नंबर होते हैं सभी के, मेरे पास ये है, आपका कुछ और आएगा, आपने ऐसा ही नंबर इसके अंदर फीड कर देना है, भर देना है, और उसके बाद वेरीफाई कर देना है। तो दोस्तों ये पिन आपका जल्दी से जल्दी 1 मिनट में वेरीफाई हो जाएगा, और उसके बाद दोस्तों आपके जो पेमेंट है वो 20 से 22 तारीख के बीच में जो पेमेंट है वो आ जाएगी। देख सकते हैं मेरे इतने डॉलर यहाँ पे हो चुके हैं, और कुछ दिन के बाद ये मेरे पेमेंट मेरे अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो
अगर दोस्तों आपका भी वेरिफिकेशन फेल हो चुका है तो आपने करना क्या है, आपने दोस्तों अपने जो डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करा के अपनी ईमेल आईडी के ऊपर आपने भिजवा लेने हैं और उस ईमेल आईडी से आपने डाउनलोड करके उनको पिक्स आर्ट एप्लीकेशन के थ्रू एक फोटो बना लेना है, ऊपर आधार कार्ड का फ्रंट और उसके नीचे बैक, मतलब थोड़ी सी स्पेस छोड़ के, और उसको आपने एक फोटो बना के अपने पास रख लेना है। जैसे ही आपके पास एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई का जो बटन आएगा वो उस पर आपके पास शो हो जाएगा, आपने उस पर क्लिक करके अपना ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर देना आधार कार्ड, तो दोस्तों आपका चुटकी बजाते ही वेरीफाई हो जाएगा। अगर फेल हो गई तो आपको मैंने बता दिया है कि आपने जब भी यूट्यूब के पास मेल करें आपने हर बार अपना वो डॉक्यूमेंट अटैच करना है मेल के साथ और साथ में आपने अपना अटैचमेंट करना है मोबाइल नंबर, तो आपकी जो वेरिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी हमारी जानकारी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, पहली बार दोस्तों इस चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो लगी कैसे। फिर मिलेंगे दोस्तों नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।